तो लखनऊ के लेवाना होटल में आग लग गई और चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में मैंने भी पूरा यूपी का टूर किया है और उसमें मेरी सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन थी लखनऊ, और जिस होटल में आग लगी है हमारी टीम भी उसी होटल के अंदर रुकने वाली थी। हालांकि ये बात 10-15 दिन पुरानी है, लेकिन जब मैंने सुना कि लेवाना होटल में आग लगी है तो उसके बाद मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं होटल्स पे कि अगर आप किसी बड़े होटल में रुक रहे हो तो आप वहाँ पर सेफ हो। शायद वहाँ जो लोग रुके थे उन्होंने भी यही सोचा होगा कि यार इतना बड़ा होटल है, सेफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। उस होटल को बनाने वालों ने करी बहुत सारी गलतियाँ, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया, सबको उठाकर ताक पे रख दिया। मतलब होटल में आग लगी और होटल का जो स्टाफ है उन्होंने हेल्प नहीं करी, उस होटल का नक्शा पास नहीं था। माना कि पहले के जमाने में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो नक्शे के हिसाब से नहीं बनती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर वहां लोग आकर रुक रहे हैं, अगर आप इतने चार्जेस उनसे ले रहे हैं, तो बनती है आपकी जिम्मेदारी। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आखिर उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे ये होटल वाले? और सिर्फ एक नहीं, हमारे पूरे इंडिया में ऐसे कई होटल्स हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे होटल्स के ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले और दोबारा ऐसी गलती ना हो सके।